नैतिक कहानियाँ हिंदी में। इस लेख में हम आपको स्टोरी इन हिंदी के बारे में बताने वाले हैं। इन कहानियों को आपने बचपन में अपने दादा दादी से सुना होगा। यह कहानियाँ बच्चों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षावर्धक हैं। इन नैतिक हिंदी कहानियों से आप बहुत सारी अच्छी बात सीखेंगे, जिनको आप अपने जीवन में प्रयोग करके सफलता पा सकते हैं। यह कहानियाँ बहुत ही रोचक हैं, जिनको पढ़कर आपको और बच्चों को बहुत आनंद आएगा। इनमें कुछ न्यू स्टोरी इन हिंदी 2023 दी गई है, जिससे आपको नयापन का अनुभव हो। यदि आप पुरानी कहानियाँ पढ़कर बोर हो गए हैं, तो यहाँ पर हम आपको सबसे अच्छी नई स्टोरी इन हिंदी दे रहे हैं। खूनी झील। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में चुन्नू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक चिकू खरगोश बन गया। चुन्नू हिरन को जब ही प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने चुन्नू हिरन से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। चुन्नू हिरन ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है, जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है? उसे तो हमने कभी नहीं देखा। उसका मतलब, वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है। जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देख छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज़ दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चिकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं, यह तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। चिकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं, तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस खूनी झील की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।
और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। तो दोस्तों, आप अपने फ्रेंड रिश्तेदार फैमिली में ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।